नमस्कार दोस्तों, A3 हिंदी में आपका स्वागत है। मेरे पास है सैमसंग Z4 कैमरा रिव्यू के लिए। तो शुरुआत करते हैं रियर कैमरे से। 5 मेगापिक्सल का यहाँ आपको रियर कैमरा मिलता है और ये हैं कुछ कैमरा मोड्स। यहाँ आपको मिलता है प्रो मोड, ब्यूटी मोड, ड्रीम शॉट, नाइट मोड एंड कंटिन्यूस शॉट। कैमरा सेटिंग्स की बात करें तो रियर कैमरे से आप HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा फाइंड फेस नाम का फीचर्स भी दिया गया है। इसमें आपकी स्क्रीन पे एक आपको बॉक्स नज़र आता है और जैसे ही बॉक्स में किसी का भी फेस डिटेक्ट होता है, फ़ोटो अपने आप कैप्चर हो जाता है। इस तरह से ये मेरा फ़ोटो कैप्चर हो चुका है। इसके अलावा यहाँ आपको मिलता है वॉइस कंट्रोल। वॉइस कंट्रोल की मदद से आप स्माइल, चीज, कैप्चर, शूट बोल के भी अपना फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं बोल रहा हूँ स्माइल और ये मेरा फ़ोटो कैप्चर हो गया। तो पिक्चर लेने के लिए कई सारे तरीके दिए गए हैं। प्राइस के अकॉर्डिंग बात करें तो सैमसंग कभी भी अपने बजट स्मार्टफोन में वॉइस कंट्रोल नहीं देता है। इसके अलावा रियर कैमरे के लिए आपको HDR मोड भी मिलता है। रियर कैमरे पे आपको मिलता है डुअल टोन LED फ्लैश। नॉर्मली बजट स्मार्टफोन में सिंगल टोन LED फ्लैश आता है सैमसंग के, लेकिन यहाँ आपको मिलता है डुअल टोन LED फ्लैश। फ्रंट कैमरे पे आपको ये कुछ कैमरा मोड्स मिलते हैं। आपको स्माइल मिलता है, वाइड सेल्फी मिलता है, ड्रीम शॉट मिलता है, इंटरवल शॉट मिलता है। इसके अलावा जो फ्रंट कैमरे के लिए ब्यूटी इफेक्ट दिया गया है, वो भी एडवांस ब्यूटी इफेक्ट है। इसमें आप अपनी स्किन टोन को एडजस्ट कर सकते हो, फेस को स्लिम कर सकते हो और आंखों का साइज बड़ा कर सकते हो। इसके अलावा फ्रंट कैमरे के लिए LED फ्लैश भी दिया गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो फ्रंट कैमरे से भी आप HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके अलावा फाइंड फेस, वॉइस कंट्रोल यहाँ भी आपको मिलता है। इसके अलावा जेस्चर कंट्रोल भी मिलता है फ्रंट कैमरे के लिए, यानी आप केवल पाम दिखा के भी अपना फोटो कैप्चर कर सकते हो। तो ये थी कुछ कैमरा सेटिंग्स, और कैमरा सेटिंग्स में बहुत ही एडवांस है Z4। अब चलिए नज़र डालते हैं कुछ कैप्चर की गई पिक्चर्स पे। Z4 से कैप्चर की गई ये फ़ोटो नॉर्मली देखने में अच्छी दिखती हैं, लेकिन जब इनको 5 मेगापिक्सल के ही J2 के साथ कंपैरिजन किया जाता है तो ये पिक्चर फेड दिखती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि J2 के जो कलर्स हैं वो बहुत शार्प हैं। जूम करने पे भी J2 की जो पिक्चर है वो पिक्सलेट नहीं होती है, वहीं Z4 की पिक्चर आउट ऑफ फोकस नज़र आती है। हालांकि जो Z4 के कलर्स हैं वो नेचुरल कलर हैं, जबकि J2 के जो कलर हैं वो नेचुरल नहीं है, लेकिन देखने में J2 के ही कलर ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं। लेकिन फ्रंट कैमरे पे क्योंकि Z4 का कैमरा 5 मेगापिक्सल है और J2 का केवल 2 मेगापिक्सल, तो यहाँ Z4 कम्प्लीटली J2 को बीट करता है। यहाँ आप देख सकते हैं जो पिक्चर्स और कलर दोनों ही Z4 के कैमरे के बेटर हैं एज कम्पेयर टू J2। वहीं अगर बात करें इंडोर पिक्चर्स की, तो Z4 के साथ आपको डुअल टोन LED फ्लैश मिलता है, इसीलिए जो आपके पिक्चर हैं Z4 के वो ज़्यादा शार्प और ब्राइट नज़र आ रहे हैं एज कम्पेयर टू J2। तो ओवरऑल रियर कैमरे का कंपैरिजन करें तो J2 कम्प्लीटली बीट करता है Z4 को, वहीं फ्रंट कैमरे में Z4 कम्प्लीटली J2 को बीट करता है। लेकिन अगर कंपैरिजन ना करें तो भी आप Z4 के कैमरे से, रियर और फ्रंट दोनों से ही आप अच्छे पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको फीचर्स मिलते हैं Z4 के कैमरे में, वो J2 से कहीं ज़्यादा आगे हैं। जैसे फाइंड फेस आपको मिलता है, वॉइस कंट्रोल मिलता है, HDR मिलता है, ये फीचर्स आपको J2 में नहीं मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट रिव्यू मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।